हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नेटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना उतना ही आसान है। इसे बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, कोई मुश्किल नहीं आएगी इसे बनाने में। मैं आपको पूरा बोल बोल के बताती जाऊँगी, आप मेरे साथ साथ ही बनाते जाना। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे, 14 के मल्टीपल से आप फंदे डाल लेंगे। पहले 9 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे, प्लस 2 फंदे एस स्टिच के लिए डालेंगे। पहले 14 के हिसाब से आप फंदे डाल लें, उसके बाद 9 फंदे इस साइड वाले एक्स्ट्रा डालें, 2 फंदे एस स्टिच के लिए एक्स्ट्रा डालेंगे, तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले आप बॉर्डर बना लें। ये देखिए मैंने ऐसा वाला बॉर्डर बनाया, आप अपनी मनपसंद का कोई भी बॉर्डर बना लें। उसके बाद आपने अगर फंदे बढ़ाने हैं तो बैक साइड वाली सिलाई से उल्टी रो में जो सिलाई आती है उसमें फंदे बढ़ा लें, क्योंकि ये राइट साइड से स्टार्ट होने वाला डिज़ाइन है। तो उल्टी रो में आप जितने फंदे बढ़ाने होंगे बढ़ा लेना, तो राइट साइड से आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये राइट साइड से ये देखिए, ये ऐसे दिखेगा, और बैक साइड से ये देखिए, फ्रंट साइड से बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये बैक साइड से भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कैसे कैसे बना हुआ है। ये देखिए फ्रंट साइड से ये ऐसे नज़र आ रहा है। इसको आप जेंट्स फुल बाजू, हाफ बाजू, जैकेट, लेडीज स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, फ्रॉक, टॉप, कैप, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं इससे। हर प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन खिल के आएगा, बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा बोल बोल के ये डिज़ाइन बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ ही बनाते जाना, बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं पूरा रिपीट करती जाऊंगी कैसे कैसे बनाना है इसे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है, पहले आप फंदे डाल लें, जितने बढ़ाने हैं बढ़ा लें, उसके बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। अब 2 का एक आगे की तरफ से करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, फिर 2 का एक पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेंगे, फिर से 9 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। नाइन फंदे सीधे सीधे बना लिए, लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बना लेंगे। ये देखिए सेकंड रो उल्टा बनाएंगे, जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बनेंगे, पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करना है।
ये देखिए पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, राइट साइड ये देखिए पहला फंदा स्किप करेंगे। अब आठ फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, धागा पीछे करेंगे। अब एक ये वाला उल्टा फंदा यहाँ से दो का एक करेंगे आगे की तरफ से, आठ फंदे बनाने के बाद दो का एक करेंगे आगे की तरफ से। फिर से हमें जाली डालनी है, तीन फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बनाए, फिर से जाली डालेंगे, तीन फंदे बना लिए सीधे, अब जाली डालेंगे। इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे। फिर से हमें एट फंदे उल्टे बनाने हैं, उल्टे बना लिए, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। उल्टी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरी रो में आपने उल्टा उल्टा बनाना है। सीधी साइड से है ये डिज़ाइन चलेगा, उल्टी रो सेकंड रो की तरह पूरी उल्टी उल्टी ही बुनी जाएगी। ये देखिए पहला फंदा स्किप करेंगे। अब फिर से हमें नाइन फंदे सीधे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, सीधे सीधे बना लिए। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे दो का एक करना है आगे की तरफ से, दो का एक कर लिया, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे। फिर से हमें आगे वाले फंदे नाइन फंदे सीधे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बनाना है। उल्टी रो सेकंड रो की तरह ही बनाएंगे, उल्टी उल्टी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनी जाएगी। उल्टी साइड से हर सिलाई हमें उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करनी है। ये सीधी साइड का डिज़ाइन है तो सीधी रो में ही डिज़ाइन आएगा, उल्टी रो हमें हमेशा उल्टे उल्टे ही बना के कंप्लीट करनी है। लास्ट फंदा भी उल्टा बनाएंगे, ये देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था, नाइन फंदे उल्टे सीधे बनाए थे, सीधे बनाने के बाद यहाँ पे आगे की तरफ से दो का एक किया था, दो का एक करने के बाद जाली बनाई थी, जाली बनाने के बाद एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से हमने इधर जाली बनाई थी, फिर इधर पहले इस फंदे को सीधा किया, फिर पीछे की तरफ से दो का एक किया, फिर हमें नाइन फंदे सीधे सीधे बनाए थे, उल्टी रो साफ उल्टी बनाई थी, और आगे फिर यहाँ पे हमने आठ फंदे, ये देखिए आठ फंदे उल्टे उल्टे बनाए थे, यहाँ पे दो का एक आगे की तरफ से किया था, जाली बनाई, जाली बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बनाए थे, सीधे बनाने के बाद फिर से जाली बनाई,
जाली बनाने के बाद फिर से दो फंदे, यहाँ पे पहले फंदा सीधा किया, फिर दो का एक बनाया, फिर आगे हमने वैसे ही आठ फंदे बनाए थे। उल्टी रो तो उल्टी ही चलेगी, ऐसे ही डिज़ाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे फुल प्रोजेक्ट पे ये ऐसे नज़र आएगा। जब हमने सीधी रो बनानी है, सीधी रो बनाने के बाद यहाँ पे दो का एक जाली डालेंगे, एक दो का एक जाली दोनों साइड से आएगी, फिर ऐसे आएगा। जब उल्टी रो बनाएंगे तो उल्टी रो बनाएंगे तो यहाँ पे आठ फंदे आएंगे, उल्टे आठ फंदे आएंगे और सेंटर में तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे। ऐसे ही डिज़ाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा, बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आप ज़रूर इसे बना के ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।